अच्छा ओके, जो आपने प्रोग्राम बनाया ना वो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन पूरी हद तक जी नहीं ठीक। अब उसमें वो डिस्कस ठीक करते है हैं क्या क्या इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व कैसे करना है। ये प्रोग्राम पहले से बना हुआ है, इसको ठीक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी सर। काफ़ी हद तक तो आपने बनाया हुआ है। अच्छा, एक तो था ना कि आपने ड्राइव करना है, तो जी ये सर। अच्छा, इसको राइट भी करना है। अच्छा ओके, एक तो ये ड्राइव करेंगे, ये टू आया, ये ओपन जी होगा, साथ बजर ऑन होगा, और बजर उसके ऑन बाद ये भी लाइट ऑन होनी चाहिए कि स्टॉप हो गया, और ये लाइट भी होना चाहिए कि मोशन में, ड्यूरिंग मोशन है। अब दोबारा नोट ठीक करेंगे, है बजर ठीक। तो ठीक है आपका ऑन था, और ये लाइट भी ऑन होनी चाहिए अगर ये मतलब 2 और 3 के दरमियान है। अब यहाँ पे देखिए, पहले स्टॉप नज़र आ रहा है, ठीक है। जी अब जैसे गाड़ी आगे जाएगी ना, ये मोशन में जाएगा, ये लाइट ऑफ हो जाएगी, ये ऑन हो जाएगी, ठीक है ये देखना, ये ऑन हो गई कि ड्यूरिंग मोशन है, और अब रुक गया कि स्टॉप हो गई, और ओपन हो गया तो ये ठीक लाइट भी ओपन हो गई, और डोर लाइट ये वाली लाइट है तो फिर ये भी ऑन होनी चाहिए। ये येलो वाली लाइट जो है ना, वो ये वाली लाइट है, ठीक है। ठीक अच्छा, उसके बाद इसको आगे मूव करना है। है आपका यहाँ यहाँ पे इशू आता है, ये जैसे ही ओपन होता है ना, दरवाजा पे आता फौरन है बिल्कुल नीचे आ जाता है, तो वो नीचे अगर आया सही सिस्टम रहे तो वो दरवाजा गाड़ी के ऊपर लगेगा आके, ठीक बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम एक चीज यूज करते हैं, राइजिंग और फॉलिंग एज, यानी कि ये जब ऑन हुआ ठीक है है तब दरवाजा नीचे नहीं आना चाहिए, जब ये आगे निकल जाएगा ना, जब ये सेंसर ऑफ होगा, ये ऑफ होगा तब ये नीचे आना चाहिए, ठीक ठीक है है। उसके लिए हम यहाँ पे ये, यानी हम सिर्फ X3 नहीं लगाएंगे, हम X3 फॉलिंग एज लगा देंगे, ठीक है। ठीक है समझ फॉलिंग एज गया मैं में आपकी बात सही F लिखा होता है उस पर, ठीक है। है तो फॉलिंग एज होगा तो ये बेहतर हो जाएगा, यानी कि ये जो इशू आ रहे थे ना, वो खत्म हो जाएगा। ठीक अच्छा ओके, उसके बाद मैं रीसेट करता हूँ। ये तो हो गया हमारा, ये वाला, इसको एक दफ़ा और देख लेते हैं, इन लाइट्स पे गौर करें ज़रा। ये जब जा रहा है, ये अभी ना हम सर मैंने वैसे ये लाइट्स के साथ भी इसको किया था ना। हो गया था। हाँ जी तकरीबन हो गया था। ये मसला आ रहा था जब मैं यहाँ पे आके ना जब वो नीचे एकदम आ यहाँ पे राइजिंग फॉलिंग एज इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब देखो ना, ये लगा दिया ना, तो ये मसला सॉल्व हो गया, कि हाँ जी ठीक यानी कि है जब सर ऑन होके ऑफ हो तब एक्टिवेट करना है, ऑन सही होने है पे एक्टिवेट नहीं करना, नहीं ठीक होगा है। एक तो ये था, और हाँ उसके जी बाद एक ये डोर ओपन, डोर अप और डाउन वाला, ये जो है ओपन और क्लोज वाला डोर। अच्छा, ये जी ऐसे होना चाहिए कि आप इसको दबाया ना, ये ऊपर गया, जहाँ छोड़ेंगे ये रुक जाना चाहिए इसे, ठीक है सर ठीक है। तो इसको जब दबाएंगे ऊपर जाएगा, छोड़ेंगे रुक जाएगा, और जब रुका हुआ है इसको बताना चाहिए स्टॉप है, और जब जा रहे हैं तो ये ड्यूरिंग स्टॉप मोशन आना चाहिए इस पर, ठीक है। ओके सर ओके सर तो ये डोर ओपन हो जाए ठीक है तो इंडिकेशन ये ओपन वाली भी शो हो जानी चाहिए। अब ये वाली डोर आ लाइट गई इसलिए नहीं नज़र आ रही क्योंकि अभी ये गाड़ी पीछे है, ये सेंसर तक पहुंची नहीं है। अगर ये ठीक सेंसर पे आएगी तो है ये लाइट भी ऑन ओके हो जाएगी, ठीक है ना। ओके ठीक हो गया। तो देखने में ये जितना सिंपल लग रहा है ना, उतना है नहीं। मैं अभी आपको शेयर करता हूँ अपने वाला ना अच्छा ओके, वो भी तो करते हैं डिस्कस। अच्छा खैर, इसमें मैं बता दूं। अच्छा ये देखें, ये टू, इन्होंने खाली टू नहीं लिया हुआ, इसको राइजिंग एज पे रखा हुआ है। जी नॉर्मल भी करते जी हैं ठीक है, लेकिन अगर राइजिंग पे करते हैं ना, तो ये बटन मिस नहीं करता फिर, ठीक लेकिन जैसे इस पर टच करते हैं ना, है सर फ़ौरन ये आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है पहले इन्होंने सर क्या किया है, ये करके ना इन्होंने एक वर्चुअल रिले ऑन की है, M0, वर्चुअल ठीक है ठीक है। M0 इधर और इधर, यानी कि जैसे ही सेंसर पे आएगा M01 हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाए, ऑन होगा लैच कर और ये जब ठीक ऑन है होगा सर ना तो ये Y0 यानी डोर अप हो जाएगा। अच्छा, इधर इन्होंने ठीक है Y1 भी लगाया हुआ है, हाँ जी ये Y1 क्यों लगाया हुआ है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, 1 मिनट। अच्छा, इधर Y0 पे ये Y1 लगा देना अच्छा है, बेहतर है, इसके बगैर भी काम चल जाता है, लेकिन ये इंश्योर कर देते कि अगर दरवाज़ा मतलब ऊपर जा रहा है तो फिर नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये नीचे है ना, डोर ठीक है डाउन सर का समझ ये, गया मैं ठीक है ना, ये नहीं होना हाँ चाहिए, जी तो ये वो है ना, कंफर्म हो जाता ताकि कोई क्लैश ना हो सके, ठीक है। ठीक तो है M0 यानी कि सेंसर X2,
और एक्स टेन यानी कि ये वाला बटन, दोनों में से अगर कोई क्लिक हो दरवाजे को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। जी सर। और ये वाला आपने किया ही हुआ था, इसमें बस आपने फॉलिंग एज पे इसको सेट कर देना है। अच्छा, सही और है। ये करके इन्होंने ना M1 एक रिले ऑन किया, क्योंकि अब हमने डोर पहले अप के लिए था ना, अब डोर डाउन के लिए भी बिल्कुल वैसा ही करना है, ठीक है सर। ठीक है। M1, अब ये M1 और X11, यानी M1 का मतलब है यानी कि डोर डाउन, और X11 का मतलब है ये डोर डाउन यहाँ से। इन ठीक दोनों में से है। अगर कोई भी ये काम होता है ना, तो दरवाजे को नीचे आ जाना चाहिए, Y1। अच्छा, अब इसमें Y0 तो ठीक आपने है। कर दिया, ठीक हाँ है, जी यानी कि जब नीचे आ रहा है तो ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये हो गया। उसके अलावा बिल्कुल। X2 और X3 भी ऐड कर देना चाहिए, यानी कि अच्छा ये इन दोनों के दरमियान हो, तब ये सारी डिसेबल हो जाए, क्योंकि फिर ये जो आप अप डाउन कर रहे होते हैं ना, ये इससे क्लैश करेगा, सही है ना। है। X2 और X3 के अंदर आएगा ना, फिर उससे क्लैश हो जाएगा, तो इसलिए इसमें X2 X3 भी डाल, यानी X2 X3 में से कोई भी एक एक्टिव हो गया ना, तो ये सारा रंग जी डिसेबल हो जाएगा, ठीक हो गया। ठीक है। और उसके बाद ये वाला Y0 Y1, यानी Y0 और Y1, इसका क्या मतलब हो सकता है? Y0 वाई यानी कि जीरो ऊपर और जा रहा वाई है, वन Y0 का मतलब ऊपर जा रहा है, Y1 के नीचे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है मोशन, डोर इज इन मोशन, या तो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ठीक है, ठीक हो समझ गया। गया। तो जब मोशन में होगा तो क्या करना है, एक तो बजर को ऑन कर देना है, ये वाला Y7, और और एक दूसरा लाइट ऑन हो ये लाइट गया। ऑन हो, ये लाइट ऑन हो जानी चाहिए। तो बजर था जी वाई सर। वाई सेवन और Y11, इन दोनों को ऑन कर देना है, अगर ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा, ठीक है समझ ठीक हो गया। गया। अच्छा, उसके बाद ये वाला Y11, Y11 क्या था, डोर डाउन। ये वही चीज़ है कि अगर तो यानी कि नहीं, अच्छा सॉरी, ये दो ये हैं, दो ये वाली दो हैं, जाहिर है जब हाँ जी स्टॉप, सर, जब वो तो ये ये दोनों लाइट्स एक टाइम में ऑन नहीं हो सकती, या तो मोशन में होगा या ऑन नहीं स्टॉप होता। होगा, तो बिल्कुल ये सर, हमने ठीक ये लगा दिया, ठीक है। जी आप इधर X10 इधर और Y11 इधर भी लिख सकते हैं, खैर, ठीक है लेकिन सर। इसका मतलब ये कि इनमें से एक ही एक टाइम में ऑन होगा, दूसरा नहीं ऑन होना चाहिए, ठीक हो गया। और उसके बाद ये आ गया X2 और X3। X2 और X3 का मतलब है कि यानी गाड़ी ना X2 या X3 के दरमियान में है, ठीक है। जी जब यहाँ पे ना X2 ऑन होगा, इधर आ जाएगी, फिर X2 ऑफ हो जाएगा, X3 ऑन हो जाएगा। तो बिल्कुल। इन्होंने वही कहा था कि X2 या X3 के अगर दरमियान में हो ना, यानी X2 और X3, इन दोनों के अगर दरमियान में, तो ये लाइट ऑन होनी चाहिए Y6, और जी यहाँ पे जाहिर है डोर लाइट ये Y12, ये भी ऑन हो जानी चाहिए, जी ठीक है ना, ये उसी की लाइट है ये वाली, ठीक है। ठीक हो गया। तो X2 यानी जब X2 X3 के दरमियान है, यानी कि इन और आउट सेंसर के दरमियान है जब गाड़ी, तब जी डोर लाइट ओपन होनी चाहिए, डोर लाइट और ये जो पैनल पे लाइट है ये दोनों ऑन होनी चाहिए, वाह ये वाली येलो लाइट है ये ऑन होनी जी, चाहिए। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद X11 X13, X11 है डोर डाउन, अच्छा नहीं सॉरी जी सॉरी सॉरी, एक्स X1 X X11 नहीं, वन X1 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 ये अपर भी लिमिट है होगा ये वाली। यार जब यहाँ पे आ रहेगा तो बिल्कुल डोर ओपन होगा, डोर ओपन होगा तो आपको ये वाली लाइट ऑन कर देनी चाहिए, ठीक 13। ठीक है है। यार जब X11 ऑन है तो Y13 ऑन, यानी ये लाइट ऑन हो जानी चाहिए, ओपन हो जानी चाहिए, ठीक है। सही। तो ये ना एक दफ़ा आपने दोबारा करना है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत ना वो एक तरीके से बटन दबाते हैं ऐसे, दबा के छोड़ते नहीं, पूरा ऊपर चला जाता है, यानी हम कंट्रोल सही नहीं है कर सकते थे रास्ते में। अब ये कि इसको आप जहाँ मर्जी रोक लें, जहाँ मर्जी मैंने आधा ओपन कर लें, पूरा ओपन कर लें, आपकी मर्जी। एक ये चीज़ थी, और एक ठीक है। ये जो था ये वाला फॉलिंग एज। अच्छा खैर, राजीव ऐसे ठीक मौके है पर फॉलिंग और राइजिंग एज की बड़ी अच्छी समझ आती है, जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो बिल्कुल। ना, वो एक छोटा सा पॉइंट है, अगर इसको खाली मैं X3 कर दूँ तो ये यहीं पे आता, तो दरवाज़ा बिल्कुल गाड़ी के ऊपर आके लगता है, वो जो डोर है, बिल्कुल इसको फॉलिंग पे कर दें, सारा मसला सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ठीक या फिर यहाँ पे टाइमर भी लगाया जा सकता है, कि टाइमर लगा लें कि जैसी गाड़ी आई है तो क्या कहते हैं उसको, यानी कि फ़ौरन दरवाज़ा नीचे ना आए, गाड़ी थोड़ी आगे जाए तो दरवाज़ा नीचे आए, लेकिन उसमें भी मसला ये है कि गाड़ी थोड़ी देर रुकी तो दरवाज़ा फिर उसके ऊपर आके लग जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ये बेस्ट है कि
कि जब वो सेंसर से बाहर निकल जाए तब ये दरवाजा बंद हो। बिल्कुल ठीक सर, है, अच्छा ओके जी, इसमें तो ये था। अब आप स्क्रीन शेयर करके ना मुझे अपना सोल्यूशन दिखाएं, वो भी डिस्कस करते हैं।